लाइफ का तुम्हारा बैच ऐसा है कि जो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, बदतमीजी बोलूंगा मैं उनको भाई, मुझसे नहीं होता इग्नोर, मैं साला बैच ही छोड़ दूंगा अगर ऐसा है तो। मैं बैच है प्रयास 1.0 जिसने मुझे सबसे ज्यादा मेंटल टॉर्चर दिया है, क्योंकि यहां पे ज्ञानी लोगों की भीड़ बड़ी पड़ी है। क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा पेनफुल, सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रेस देने वाला बैच प्रयास 1.0 2024 है। और इसके बाद देख रहे तू, इसके बाद बच्चे हंस भी रहे हैं क्लास के। क्लियर है? ओके एक चीज और मैं तुमसे कहना चाहूंगा, बड़े ही दुखी मन से कह रहा हूं मैं, ठीक है, अच्छे मन से नहीं कह रहा हूं। ये बात सच है कि सर सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन जो भी ऐसे हो, ठीक है, मैं सही बात बता रहा हूं। तुम्हारी मेरी लाइफ का तुम्हारा बैच ऐसा है कि जो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, बदतमीजी बोलूंगा मैं, ठीक है, जिनके माँ बापों ने ये नहीं सिखाया कि क्लास में कैसे बिहेव करते हैं, शायद तुम्हारे टीचर भी नहीं सिखा पाए आज तक, जो आज तक थे, कि किस तरह क्लास में बिहेव करना है, क्या बात बोलना है। मुझसे ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, मैं सीधी बात बोल रहा हूं, ठीक है। तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप इग्नोर कर दो उनको, भाई मुझसे नहीं होता इग्नोर, मैं साला बैच ही छोड़ दूंगा अगर ऐसा है तो। मैं मैनेजमेंट से बोल दूंगा ऐसे टीचर को भेज दो यहां पर जो बिल्कुल चिकने घड़े की तरह हो, वो पढ़ा ले, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं। मुझसे पढ़ने के लिए आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आपको इस मामले में फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी आपका बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा, वरना रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। और अगर आपको रिजल्ट नहीं लाने से मतलब ही नहीं है, देन व्हाई यू आर हेयर, आप यहां पर क्यों हो। एक बात में पिछले कंटिन्यूसली 2-3 महीने से मैं बहुत परेशान हूं, तुम्हारा बैच, सॉरी टू से कसम खा के बोल रहा हूं, तुम्हारा बैच मेरी लाइफ का इकलौता ऐसा बैच है प्रयास 1.0 जिसने मुझे सबसे ज्यादा मेंटल टॉर्चर दिया है, क्योंकि यहां पे ज्ञानी लोगों की भीड़ बड़ी पड़ी है। हर दूसरी दिन मैं हर रोज आता हूं खुशी खुशी मूड से कि यार आज अच्छे से पढ़ाऊंगा, आज ये कराऊंगा, आज ये कराऊंगा, ठीक है। जब चीजें मैं डीपली लेवल पे जाके समझा रहा होता हूं, तब तुम लोग तुम्हें कुछ भी उठपटांग चैटिंग कर रहे होते हो, कभी टीचर को जज कर रहे होते हो, है? अरे भाई आज के लेक्चर के शुरू के 15 मिनट और लास्ट के 15 मिनट में तो डिफरेंस दिखेगा किस प्रकार हम धीरे 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 स्लोप ऊपर चढ़ता है। फिजिक्स यही होती है, आराम से। तो ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना कैसे चलना है, तुम थोड़ी ना डिसाइड करोगे। तुम्हें अगर डिसाइड करना है तो जाके रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो ना, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है, जो मन करे वो पढ़ो, जो मन करे मत पढ़ो। अगर आप लाइव में आ रहे हो तो आपको टीचर के हिसाब से चलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और अगर आप टीचर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, सॉरी टू से मैं यहां पर ओपनली बोल रहा हूं, मुझे कोई दुख नहीं होगा इस बैच से जाने में, क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा पेनफुल, सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रेस देने वाला बैच प्रयास 1.0 2024 है। अगर मैं जाऊंगा तो मैं कोई अच्छी मेमोरी लेके नहीं जाऊंगा, भले ही मैं तुम्हारा बैच कंप्लीट करूं जो भी हो, लेकिन मैं अच्छे अर्जुना के साथ मैं पूरी जान लगा दूंगा, अर्जुना बैच के साथ, मैं सही बात बता रहा हूं, अर्जुना के साथ पूरी जान लगा दूंगा उन बच्चों के साथ सिलेक्शन कराने के लिए, क्योंकि उन बच्चों की क्लास में तुम आके देखना एक बार, अर्जुना 1.0 की शाम की क्लास में तुम एक बार आके देखना। एक ऐसा बच्चा जो 10th क्लास में है, ठीक है, 10th क्लास से पास होकर बेचारा अभी अभी आया है, वो बच्चा रिलेटिव मोशन के सवाल फोड़ रहा है, वो सारा कंटेंट, इनफैक्ट उसके बैच में तो मैं तुम्हारे बैच के लेवल से भी ऊपर चला जाता हूं, क्योंकि मैं वहां खुश होता हूं। उस बैच में जब मैं खुश होता हूं तो मैं वहां जितने जो लेवल तुम्हारे बैच में रखता हूं उससे ऊपर भी चला जाता हूं वहां पर मैं, जबकि उन बिचारों ने तो ना मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ना इंटीग्रेशन पढ़ा है, इस तरह की चीजें उन्होंने नहीं पढ़ी है उन बच्चों ने उसके बाद। मगर क्यों? क्योंकि वो डेडिकेटेडली टीचर के साथ जुड़ के चलते हैं, वहां कोई स्पैमिंग नहीं करता है, वहां कोई ज्ञान नहीं देता है, बात समझ में आ रही है? बात वहां कोई ज्ञान नहीं दे रहा। अब देख एक बच्चा यहां पर बोल रहा है रोइए मत सर, बेटा मैं रो नहीं रहा हूं, मैं दुखी हूं, और ये तेरा स्टेटमेंट बता रहा है कि तू कितना घटिया, कितना नीच आदमी है तू, बात समझ में आ रही है? कितना घटिया और कितना नीच आदमी है। और इसके बाद देख रहा है तू, इसके बाद बच्चे हंस भी रहे हैं क्लास कैसे।